चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। बीजेपी की सरकार 14 में चुनाव जीते और जो जो वादा किए थे आज तक वो वादा अपना पूरा नहीं कर पाए। मेरा बाप इसीलिए पढ़ाया जो तुम जाके पकड़ा बेचो या झिल्ली का चिप छोड़ो, इतना ही छोड़ा कहा था। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। हम अभी कमला गांव में हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर अभी जिनसे हम बात कर रहे हैं भूमियार समाज के लोग हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में वो कहाँ जाएंगे। चलचित्र अभियान में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर क्या माहौल है? कन्हैया का माहौल है। कन्हैया का माहौल? हाँ, सीपीआई। ऐसा क्यों? युवा चेहरा है, जातिवाद नहीं करता है, इसलिए हम लोग कन्हैया का समर्थन पूर्ण रूपेण कर रहे हैं। और ऐसा नेता चाहिए भी हम लोग। लेकिन एक और भूमिहार नेता बहुत बड़े खड़े हुए हैं, गिरिराज। वो तो बाहर, मतलब जो अभी इस बार उनके खिलाफ वो गिरिराज खड़े हैं, तो उनके लिए आप लोग नहीं सोच रहे हैं? नहीं। क्यों? वो एक बार मंत्री बन चुके हैं इधर, उनको पहले कुछ नहीं, इधर आके देखे। अभी कन्हैया है, इनको हम देखना चाहते हैं। ये अभी तक जो बोल रहे हैं कैसा करते हैं नहीं करते हैं, इनको हम चांस देना चाहते हैं, एक चांस इनको देखना चाहते हैं ये क्या करते हैं। हमको युवा चेहरा पसंद है, युवा चेहरा पसंद। लेकिन कई बार ये भी बोला जा रहा है कि भाई कन्हैया जो है वो कुछ दिल्ली में उस पर इल्जाम लगे, देशद्रोही है, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में साबित करने नहीं कर पाए। साबित नहीं किया है कन्हैया देशद्रोही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कन्हैया इस बार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में सांसद बने, और उसका बहुत सारा, उनका बहुत सारा सपोर्टर है जो कि हम लोग सीपीआई का सपोर्ट है। आप लोग जैसे किसान हैं, ज्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं? किसान है, मजदूर है, किसान प्राइवेट जॉब कहीं कहीं करते हैं, उसी में हम लोग जी रहे हैं। अरे विशेष करके किसान ही है हम सब लोग, जो भी है किसान ही, खेत पथार से ही जीते हैं। तो किसान होने के नाते और जो किसानों का आपका अनुभव क्या रहा है पिछले 5 सालों में? अरे पिछले 5 साल में क्या अनुभव आएगा, क्या किए? बीजेपी की सरकार 14 में चुनाव में जीते और जो जो वादा किए थे आज तक वो वादा अपना पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नया सिरी से इसका चुनाव हो, नया सरकार बने, जो हम लोग कुछ पूरा नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं, वो उनसे किसी ने पूछा कि रोजगार मिला तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पकौड़ा तो तल रहे हैं लोग। पकौड़ा तो क्या हुआ, पकौड़ा तो हम लोग भी, अगर मोदी अगर कोई भी सरकार हो जाएगा हम ठेला पर लेके बाजार जाके पकौड़ा बेचेंगे, हम लोग को रोक लीजिएगा कोई आदमी क्या? हम पकौड़ा कहीं भी जाके बेच सकते हैं अगर कोई भी किसी का सरकार रहे, मगर रोक तो नहीं सकते ना पकौड़ा जाके पुस्तकालय चौक पर या नित्यानंद चौक पे या बाजार में कहीं भी जाके रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। हम पकौड़ा बेचने के लिए ग्रेजुएशन किए क्या? मेरा बाप इसीलिए पढ़ाया जो तुम जाके पकौड़ा बेचो या झिल्ली का चिप छोड़ो, इतना ही छोड़ा कहा था। अब आप लोग को क्या उम्मीद है, लेकिन चाहे रोजगार हो या किसानों की बात हो या बाकी चीजें हो, क्या आपको लग रहा है कन्हैया इन बातों को उठा पाएगा? हाँ, कन्हैया जी लड़े हैं और लड़ेंगे, हम लोग का उम्मीद है। अच्छा आप एक चीज सच सच बताइए, हम लोग घूमे हैं कई सारे गांव में, घूमे हैं अलग अलग बिरादरियों से, लोगों से मिले हैं बेगूसराय में, पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं अलग अलग बिरादरियों से, लेकिन भूमियारों में कुछ लोग अभी भी गिरिराज कह रहे हैं, कुछ कन्हैया कह रहे हैं। आप लोगों की राय में कितना परसेंट भूमियार गिरिराज के साथ जाएगा, कितना परसेंट कन्हैया के साथ जाएगा? 60% कन्हैया के पास और 40% आदमी, और उसमें 20% बीजेपी, 20% और 60% कन्हैया को। यस ठीक है। आप सबका चलचित्र अभियान के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है कि अलग अलग बिरादरियों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों के जो नौजवान हैं, लगभग एक आवाज़ बन चुकी है कि कन्हैया कुमार नौजवानों का नेता है। उसकी जात पात लोग बाद में देख रहे हैं, पहले उसके देख रहे हैं कि नौजवानों का नेता है, जिसमें जो एक नई उम्मीद यहाँ पर शायद जगा चुका है। जुड़े रहें चलचित्र अभियान के साथ, चुनावी खबरें आप तक आती रहेंगी।